हेलो सब गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द वीडियो। सो गाइस, हम दोबारा से खेले जा रहे हैं हॉरर बॉल, बट इसके अंदर आज हम करने वाले स्पेंडिंग स्प्रे, मतलब भाई पैसे उड़ाने वाले हैं इसके अंदर, और कुछ नहीं करने वाले सिर्फ बोलूँ तो। हाँ वही करने वाले हैं, तो जल्दी से आज शुरू करते हैं। तो यार इसकी स्टोरी मैं आपको बता दूँ, यार मैंने एक बंदी के पास देखी एक नन की स्किन, भाई वो मुझे इतनी पसंद आ गई कि मुझे उसे खरीदने का मन करने लगा। और जब भी मैंने अपने स्टोर पर जाके देखा तो वो थी ऑफर में, तो उसके आगे की भाई आपको स्टोरी आप देखो। तो भाई सबसे पहले हम ही वाली स्किन बाय करने वाले, लुक एट दिस स्किन भाई, कुछ ही गंदी लग रही थी यार, इतनी मेरी दिल को छू गई एक बार। और इसके साथ हमें मिले जेम्स, और ये वाला ऑफर ना, अगर आप सिर्फ जेम्स खरीदोगे उससे ज़्यादा सस्ता, उससे ज़्यादा जेम्स मिलेंगे, तो ये वाले ऑफर खरीदना बहुत ही ज़्यादा दिमाग वाला काम है। और अब इसे लगाते हैं, हॉरर पर जाते हैं जल्दी से। भाई ये इसकी स्किन नहीं खोलनी, हॉरर की खोलनी है। भाई देखो कितनी खतरनाक लग रही है, हॉर फ्रॉस्ट भाई, बंदे देख के रिस्क्विट कर देंगे। और उसके बाद मैंने लिया यार बैकपैक बैड बॉय का, क्योंकि यार बैड बॉय मेरा फेवरेट बंडल है। एंड उसके बाद भाई मैंने एक मिली ली जो यार मेरी पूरी दिल से छुई हुई थी भाई, वो थी महंगी 950 जेम्स की थी, लेकिन भाई वो जब से आया ना हॉरर वॉल मेरी सबसे फेवरेट थी। तो यार ये भी मुझे अगले दिन ही मिल गई, बोलो इतना अच्छा लग चल रहा था ना। उसके बाद यार मुझे चाहिए था जेम्स और, क्योंकि मुझे चाहिए था बैड बॉय बंडल। अब बैड बॉय बंडल की फिर मैंने सोचा यार एक और स्किन बाय करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले आप ये देखो भाई कुछ गंदा लग रहा है ना भाई, ये कुछ बढ़िया लगेगा अब आप गेम प्ले देखो ना जब आपको पता चलेगा। उसके बाद मैंने यार सोचा कि यार मैं एक और इविल नन की स्किन ही बाय कर लेती, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। जोकर नन इसका नाम है पैल का डॉट, लेकिन मैं अब थोड़ा यार रिग्रेट कर रहा हूँ कि यार मुझे ना वाली लेनी चाहिए थी जो जॉसे सुलेवान रॉड वाली स्किन, लेकिन वो ऑफर में नहीं थी, वरना मैं वो ले लेता। और आप देखो बैड बॉय हमारा होने वाला है यार, ये सबसे ही बैड स्किन है भाई जे की, इससे अच्छी स्किन मुझे कुछ नहीं लगी। तो भाई इसे तो क्विप कर लिया, लेकिन भाई हमें अपना बैग और वो लेना होगा। आप देखो भाई इसका बैग लगाऊंगा, पूरा बंडल बनाएंगे हम इसका, देखो ये वाला बैग लगाएंगे भाई। अभी पूरा हमारा खतरनाक बन चुका है। एंड हम अब देखो बॉन्किंग भाई, सब लेजेंडरी खतरनाक। और उसके बाद रॉड गार्ड आके अपनी सिस्टर मेडलिन लगाएंगे भाई, देखो कितनी गंदी स्किन लग रही है। अब देखो मैच में भाई मैं आ चुका हूँ, और अब तो मैं सबसे पहले ये कहूंगा भाई मुझे ब्लू की मिल जाए, मैं ईवल नन बनना चाहूंगा। और भाई बैड बॉय के साथ तुम ये मिली देखो, और यहाँ पे ओ भाई लक कितना अच्छा है भाई, बैड बॉय के साथ लक अच्छा हो गया भाई, ये प्रूवर हो चुका है भाई, ये पे टू विन गेम है। मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लेना भाई, लेकिन अब मुझे जल्दी निकलना होगा यार, कोई शॉटगन वाला ना मिल जाए बस भाई। इसके पास शॉटगन है, ओ नो नो कल, ओ भाई तूने भी पैसा उड़ा रखे भाई, ये यस लेकिन तू नू उड़ा है भाई, पैसे उड़ाने से कोई बंदा प्रो नहीं बन जाता, ये बात हमेशा याद रखो। और भाई मेरे पास कुछ भी इसके अंदर एमो नहीं है शॉटगन के अंदर, तो मुझे ना पतली गली से निकलना चाहिए। और सामने मुझे कुछ चलिए मैं शायद, मैं तो भाई पीछे से जाऊंगा भाई, रिस्क लेना ही नहीं है भाई लाइफ के साथ भाई, बस एक बार नन बन जाऊँ उसके बाद सबको बताता हूँ रिस्क कैसे लेते हैं। जल्दी जल्दी ऊपर चलो भाई यार, चलिए यार यहाँ पर मैं अटकता बहुत हुई, और अब बहुत गंदे वाले नन बनने वाले। यस कौन सा दरवाज़ा, मिलूंगा खतरनाक वाली शॉर्ट गन। अब चलते हैं नीचे, और मुझे पता है नीचे एक बंदा है, नीचे एक है दो बंदे, जल्दी से चलते हैं। विलियम चाचा रुक जा भाई, विलियम चाचा भाई बंदे भी लाइक रन, भाग लो यहाँ से भाई, यही तो बहुत खतरा है, जब खुद तुमसे बंदा लड़ लो और बीच में वो नन बन जा। और भाई स्किन देखो भाई, इसलिए मुझे पहली बारी में ही पसंद आ गई थी स्किन, मैंने जेंड्रस के पास देखी थी। यस डाई विलियम, तो इतना तेज नहीं भाग सकता। ओके एक पीछे भी था, जल्दी आ जाओ इसको भी ख़त्म करते हैं। चल मोटे तो गया, लेट्स गो। और मैंने वहाँ पे भी देखा था सिनेमा साइड पे, तो वहाँ पे भी चलते हैं भाई। अब स्किन देखो कितनी गंदी लग रही है भाई, बंदे देख के डरेंगे स्किन को, मज़ा ही आ गया भाई ये वाली स्किन देख के। और कहाँ है, अच्छा वो रहा जे जे, व्हाट आर यू डूइंग, अब तुम्हारे मरने का समय आ चुका है भाई। डिफॉल्ट स्किन लेके भाई तो क्या नूबड़ापंती कर रहा है, लास्ट में शॉटगन कैसे भाई, दो बार मार लेता मैं वो हो जाती और तू भाग सकता था, लेकिन नहीं हम तो है नूबड़े, वो तो यहाँ पे कहीं पे भी रह सकता था भाई, सिनेमा के अंदर तो इतने ज़्यादा वर्ल्ड स्पॉट्स है भाई, तो इविल नन को बहुत अच्छे से चकमा दे सकता, बट नहीं अब हम जाएंगे तो ओके। वहाँ पे दो बंदे, दो बंदे तो लड़ पड़ के मर जाएंगे, और एक बंदा इधर है, तो मुझे यहाँ पे एक ओके तीन बंदा आ रहे हैं यहाँ पे, लेट्स गो भाई लड़ाई को ओके। यस एक गया ओके, एक साथ दो बंदे का, वो जेली वाला बंदा है, अरे कहाँ गया, कहाँ भाग रहा है जेली वाले बंदे। यारी स्किन मुझे बहुत ही बेकार लगती है, पता नहीं लोगों को इतनी पसंद क्यों है भाई। ये भी गया भाई तीन के लिए एक साथ, अब बचे से तीन बंदे। अब भाई पोर्टल भी ओपन होने वाला है, मुझे जल्दी करना होगा। तो कहाँ है, एक बंदा है वहाँ पर, बस उसे मार के आ जाता हूँ वाले लास्ट वाले बंदे को भी, लाइक आई डोंट केयर। ओके अभी पोर्टल ओपन नहीं होगा, ये पोर्टल की लोकेशन अभी पता चली है, तो जल्दी चलता हूँ भाई, मेरे पास ज़्यादा सेकंड्स नहीं है, मुझे इसे जल्द से जल्द मारना होगा। कहाँ है चार्ली भाई, मेरा टाइम खत्म होने वाला है, चार्ली कहाँ गया, अच्छा इधर से कहाँ गया। अब भाई मैं ऊपर घर पर जाके यार थोड़ी कैंपिंग कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत करनी पड़ती है, जिससे भाई कोई भी बंदा आएगा तो मैं उसे मार लूँगा। ये बेस्ट थिंग है यहाँ पे रुक के भाई बंदों को देखने की, जब भी यहाँ पे पोर्टल उठे तो भाई यहाँ पे आके बैठ जाओ, बहुत सही। ओके ये चार्ली, चार्ली लेजेंडरी शॉटगन के सामने तू कैसे टिक पाएगा, तू भाई क्या कुछ सोच भी कैसे सकता है, स्लिंग शॉट से मार लेगा मुझे भाई, तेरे दिमाग भी नहीं होना चाहिए भाई। गया भाई लेजेंडरी शॉटगन इज इक्वल टू डेड,
भाई पोर्टल ओपन हो चुका है, मेरे बंदे ने हमला कर दिया, एक बंदे ने भाई लेजेंडरी शॉटगन के सामने कोई नहीं टिक पाता। जीजीज गाइस देख सकते हो बैड बॉय पा कितना गंदा खेल रहा हूं मैं इस टाइम। लेट्स गो, हम जीत चुके हैं वाला मैच और भाई मुझे नया प्रेस्टीज भी मिल गया, लेट्स गो। अब मेरे पास 3 स्टार वाला हूँ मैं सिल्वर, भाई मुझे गोल्ड चाहिए जल्द से जल्द। अब भाई अपनी स्किन चेंज करते हैं ये वाली जोकर नन में और इसके बाद चलते हैं। भाई जोकर मुझे बहुत पसंद है तो मैंने इसलिए ये भी ले ली जोकर वाली स्किन, की इतनी भी बुरी नहीं है। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर, अब हम चले गए बेसमेंट के अंदर, क्योंकि बेसमेंट के अंदर भी एक की लोकेशन होती है। ओ भाई यार लक मेरा इस टाइम भी लाइक भाई खत्म, भाई तुझे आज मैं वीडियो बना के इतनी तगड़े दूंगा ना भाई, लक ये कह रहा है मुझसे। भाई मतलब इतने पास में मुझे ब्लू की मिल गई, मैं भाई सबसे पहले नन बन जाऊंगा, मतलब ये एक बंदा नहीं मारा इस टाइम देख सकते हो, 12 बंदे और मैं बन जाऊंगा ब्लू की के साथ इविल नन। यार ऊपर कोई बंदा हो सकता है क्योंकि वहां पे एक दो बंदे स्पॉन होते हैं, ये तो कंफर्म है भाई। प्लीज कोई बंदा ना हो भाई, ये दरवाजे खुले हो भाई, बंदे का शॉटगन हो नो, यस मेरे पास आ चुका है, इट्स टाइम टू बिकम इविल नन। भाई भाग लेना यार वहां से, कूदने का इतना अच्छा है भाई, नूबड़े बंदे होते हैं सच में भाई, तुम मार के रहा शॉटगन नीचे उतर जाता तुम, मैं इसे पकड़ भी नहीं पाता, इतने नूबड़े बंदे होते हैं भाई। तो मैंने अपने लेजेंडरी वेपन छोड़ चुका हूँ क्योंकि ये ईवल नन को देखो यार कितनी क्यूट ही नन लग रही है यार। अरे अब मुझे वाली चाहिए नेगेटिव वाली नन यार, वो भी बहुत कूल लगती है, उसके लिए मैं जय से इकट्ठा करना स्टार्ट कर चुका हूँ। और ये वाला बंदा तो बड़ा ही ज़्यादा अनोइंग है, इससे मैं कुछ कहूँगा ही नहीं भाई, मुझे तेरे में इंटरेस्ट ही नहीं है भाई, तू क्योंकि बहुत ज़्यादा अनोइंग है, मैं इसे मार ही नहीं सकता, मुझे भी पता है। देखो अभी उधर चला जाएगा, मुझे पता है, आई नो मैं भी ये करता हूँ। अब यार यहाँ पे इतने सारे फुटस्टेप और भाई मेरे पर टाइम कम है, 7 6 5 प्लीज़ जल्दी, बंदा 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 कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये रहा प्लीज़ डाई, कैन यू डाई प्लीज़ कैन यू डाई, लेट्स गो भाई मुझे भी 1 सेकंड का टाइम मिल चुका है। एंड वो रहा हमारा एक और बंदा, व्हाट आर यू डूइंग फ्रेंड, आ जा भाई तुझे भी मार दूंगा भाई, समझ जाओ लेके भाई लैग कैसे लैग, ओके मैं वो बन गया, उसे मारना होगा जल्दी से, बिट जा मेरे हाथों से, एक पड़ा मेरे पास 12 यार, मैंने वहां से कोई भी लेजेंडरी नहीं लिया, मुझे इतना गुस्सा आ रहा नहीं यार, देख जा भाई मेरे पास 4 है, मैं इसे नहीं मार पाऊंगा मुझे लग रहा है। ओके एमो खत्म, अब भाई हमारी बहुत लंबी फाइट होगी। 2000 years later फाइनली ये बंदा मिला भाई, ये बंदा कहां जाकर छुपा था भाई, बस क्या कहूं। और यार एक और बंदा बन चुका है नन यार, अब वो मेरे तरफ ना है भाई, मैं इतनी देर से लड़ रहा हूं ना, और वो नन अपना आराम से अपने मजे कर रही है कि हम दोनों लड़ रहे हैं, वो उधर ही अपना सबको मार रही है। अब मैं यहां पे ना जल्दी से हेल्थ किट लगा लेता हूं क्योंकि मेरी हेल्थ पूरी हाफ है, मेरे पास यार कोई इतना अच्छा वेपन भी नहीं है क्योंकि मैंने इविल नन बन के कुछ भी नहीं करा यार, अब मेरा जीतने का चांस बहुत कम है। उस बंदे ने बस मैं लास्ट बचा, उसने एक और बंदे को मार दिया भाई, अब क्या होगा आप बताओ, अभी कमेंट में करो क्या मैं जीत सकता हूँ, यस या नो, स्किप मत करना, मतलब आगे मत करना वीडियो प्लीज़, बस अभी बताओ यस पॉज करके। मैं आ चुका हूँ भाई पोर्टल की तरफ, चलते जल्दी से यार, वहाँ पे वो कैंपिंग ना कर रहा हूँ मेरी तरह, लग तो वो प्रो रहा है लेकिन मैंने उसे अभी तक देखा नहीं है। यहाँ पे छुप जाओ शांति से, किसी को कुछ नहीं पता, अगर वो आना हुआ तो अभी 2-3 सेकंड में आ जाएगा, नहीं वो यहाँ पे, इसका मतलब वो आ रहा है, मैं जब तक पोर्टल में एस्केप कर सकता हूँ जल्दी जल्दी एस्केप करना होगा। और गाइस हमेशा यार ऐसे घूमते रहा करो, ऐसे स्टिल मत खड़े हो वरना स्क्रीनशॉट का 1-70 का फटका पड़ेगा। ओ कहा गया भाई, इस बंदे के पास शॉटगन है, ओ नो नो ए लग गई भाई, एक में क्या कर दिया, ओके मैं जीत गया, कितना क्लोज था, इससे पता चलता है मैं कितना बड़ा वाला प्रो हूँ पता नहीं क्यों। भाई देख सकते हो बैड बॉय जीत चुका है, बैड बॉय से पंगे नहीं लेने का। तो गाइस यही थी वीडियो, अगर आपके यार पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल पे नो तो सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस आज किस वीडियो में, तही मिलते अगली वीडियो में यार, बाय।